हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के बारे में। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को एक बार हो जाए तो काफी लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर रहे हो तो जीवन भर दवाओं का सेवन के साथ इंसुलिन की इंजेक्शन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इस बीमारी के जितने रिस्क फैक्टर्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा पेशेंट को लंबे समय तक चलने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट में किडनी रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, यौन इच्छा में कमी के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यानी जेनेटिक बीमारी है, और इसी का नतीजा है कि भारत में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसके विपरीत अगर आप काफी हेवी डिशेज खाते हैं, बाहर का तला हुआ या जंक फूड्स खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ज्यादा मीठा भोजन करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में हर बीमारी की रोकथाम के लिए आपकी डाइट्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स का सेवन किया जाए जो आपकी बॉडी से शुगर लेवल कंट्रोल करते हो, तो ऐसे में आप बिना दवाई या इंसुलिन इंजेक्शन के भी शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नेचुरल चीजों के बारे में जिनकी नियमित सेवन करने से डायबिटीज को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उसको पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। और ऐसे में पहला हर्ब है मेथी। मेथी को रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने के लिए जाना जाता है। यह फाइबर और रसायनों से भरपूर होता है जो कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर लेवल को कम कर पाचन क्रिया में मदद करते हैं। एक सर्वे में यह भी मालूम हुआ है कि सही मात्रा में मेथी का सेवन करने से इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसको सेवन करने के लिए आप पीस कर इसे पाउडर फॉर्म बना लें और फिर सुबह 2 मिनट पानी में खौलाने के बाद छान कर इसे चाय की तरह धीरे धीरे सिप लगा कर पिए। वैसे तो मेथी पाउडर आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मेथी पाउडर के ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए दूसरा हर्ब है एलोवेरा। त्वचा के लिए एलोवेरा के फायदे तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। एलोवेरा अग्नाशय में इंसुलिन पैदा करने वाली वीटा कोशिकाओं की सुरक्षा और रिपेयर करने में मदद करता है। एलोवेरा का सेवन करने के लिए आप एलोवेरा लीफ को अच्छी तरीके से छील लें, उसके गुदे वाली भाग को निकाल कर फिर उसे पानी में मिलाकर जूस की तरह पिए। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए तीसरी हर्ब है दालचीनी। हालांकि दालचीनी के स्वाद में हल्का मीठापन होती है, लेकिन यह हमारे शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसका सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट भी होता है, और साथ ही साथ दालचीनी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में ही बहुत ही उपयोगी होती है। इसे आप पाउडर फॉर्म बनाकर स्टोर कर लें और फिर आप इसे सुबह नाश्ते के बाद या रात के खाने के बाद 1 कप गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह सेवन करें। अगला हर्ब है आंवला और हल्दी। आंवला एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है, और जब इसे हल्दी के साथ मिला दिया जाए तो यह और भी ज्यादा असरदार और फायदेमंद हो जाता है। आंवला के अंदर क्रोमियम नामक मिनरल पाया जाता है जो हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर को इंसुलिन बनाने की शक्ति प्रदान करता है। रोजाना सुबह खाली पेट 20 से 30 ml आंवला के जूस में 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करें। लगातार ऐसा करने से मात्र 1 सप्ताह में ही शरीर के ब्लड शुगर लेवल में काफी तेजी से गिरावट आती है। और ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए अगला और बहुत ही इफेक्टिव हर्ब है, वो है जामुन। जामुन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तेजी से बूस्ट करता है। जामुन में विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है जो डायबिटीज के साथ आंखों और त्वचा रोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। डायबिटीज के लिए जामुन और जामुन के बीज का सेवन आयुर्वेद में पुराने समय से ही किया जाता रहा है, और इसका हमारे शरीर पर काफी जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट भी मिलता है। वैसे तो जामुन एक सीजनल फ्रूट है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट जामुन के बीज का इस्तेमाल साल भर कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में जामुन का सेवन नाश्ते के रूप में भी आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं, और फिर बीज को सुखाकर इसे पाउडर बना लें, और फिर आप 1 टीस्पून पाउडर को दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी के साथ मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज जड़ से खत्म होती है। ये इतना असरदार होता है कि महज 7 से 8 दिनों के सेवन से ही इसका हमारे ब्लड शुगर टेस्ट पर रिजल्ट काफी इफेक्टिव देखा जा सकता है। जामुन का पाउडर अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और वहां से भी आप जामुन के पाउडर को ऑनलाइन परचेज करके मंगवा सकते हैं। डायबिटीज में अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अच्छी डाइट लेने से यह बीमारी कंट्रोल ही नहीं बल्कि जड़ से खत्म भी हो सकती है। इसलिए वीडियो में बताए गए डाइट को तो आप अपने रूटीन में शामिल करें ही, साथ ही साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, डेली थोड़ी एक्सरसाइज और योगा जरूर करें। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपकी कोई और सुझाव है या सवाल है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बेल का निशान पर जरूर क्लिक कर लें और साथ ही ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।